केंद्र सरकार ने मंगलवार को इराक से अगवा किए 39 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा कि इराक में अगवा हुए 39 भारतीयों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी मृत लोगों के डीएनए मिल गए हैं, मृतकों के शरीर को उनके परिवार को सौंपा जाएगा। इराक में मारे गए 31 लोग पंजाब और 4 हिमाचल से 4 बिहार के हैं। सभी के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से भारत लाया जाएगा। राज्यसभा में सुषमा ने कहा कि मैंने पिछले साल ही सदन में कहा था कि जब तक मुझे पक्के तौर पर कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, मैं लापता लोगों को मृत घोषित नहीं करूंगी। कल हमें इराक सरकार की तरफ से सूचना दी गई कि 38 लोगों के डीएनए 100% मिल चुके हैं और एक व्यक्ति का 70% तक डीएनए मिला है। जनरल वीके सिंह मार्टियर्स फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज अमृतसर उतरेगा। 31 लोग हिमाचल और पंजाब के हैं और फिर पटना और कोलकाता जाएंगे। इराक में घटना के बाद एक पहाड़ पर सभी भारतीयों को दफना दिया गया था। भारतीय जांच दल ने इराक सरकार की मदद से पहाड़ खुदवाकर सभी शवों को बाहर निकलवाया। उन्होंने कहा कि मौके से कई सामान भी मिले हैं। इसके बाद सभी शवों का डीएनए टेस्ट करवाएगा। एक शव का डीएनए नहीं मिला है, बाकी शवों का डीएनए मैच हो गया है। उन्होंने कहा कि हरजीत मसीह ने झूठा बयान दिया। मुझे 40 अगवा लोगों में से एक जीवित बचे शख्स हरजीत ने फोन किया था और बचाने की अपील की थी। उसने जो कहानी बताई कि 39 लोगों को सिर में गोली मारी गई और उसके पैर में लगी, वह जंगल में भाग गया, यह सब गलत है। वह अली बनकर ट्रक में छिपकर भागा और इसकी पुष्टि भी जिस कंपनी में काम करता था उसने भी इसकी पुष्टि की है। सुषमा ने कहा कि लापता भारतीयों को खोजने के लिए मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह ने बहुत मशक्कत की। उन्होंने कई बार मोसुल और बगदाद की यात्राएं की और इराक के गांवों तक पहुंचे। जनरल सिंह गांव के एक छोटे से कमरे में जमीन पर भी सोए, लेकिन लापता लोगों के मृत होने का पुख्ता प्रमाण लेकर ही लौटे। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इराक सरकार का भी, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने 3 वर्षों तक मुझे जांच जारी रखने दिया। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी सदस्य उन्हें भाव भरी श्रद्धांजलि दें। दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा भारी मन से कह रही हूँ, वो लोग मार दिए गए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन के सभी सदस्य उन्हें भाव भरी श्रद्धांजलि दें।